पहले तो ऐसा नहीं था। छात्र का सभा के बारे में बोल रहे हैं कि छात्र का हमने नियुक्ति नहीं किया, गठन नहीं किया है, कल तक वो भूल जाएंगे कि कौन है लालू यादव, हु इज लालू यादव, कल ये भी बोल सकते हैं, परसों बोलेंगे हु इज तेज प्रताप यादव। तो ये इनकी मंशा जो है, एज होते होते इनकी मंशा जो है थोड़ी सी ये हताश हो गए हैं पूरे तरीके से। इनको रास नहीं आ रहा कि नौजवान आगे बढ़ रहे हैं या संगठन को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं लगातार। ऐसा नहीं है कि संगठन में हम घुस करके संगठन को तोड़ने का हम काम कर रहे हैं। संगठन में जो गरीब गुरबा है, जिसको अधिकार मिलना चाहिए, उसको पूरे तरीके से पूर्ण रूप से समाज में बोलने का, बैठने का, चलने का, सामाजिक न्याय का, बात को बताने का, ये किसने बोला हम ये जानना चाहते हैं, ये किसने बोला? आप उसकी विचारधारा को, आप जेपी जी की विचारधारा को, आप लोहिया जी की विचारधारा को, आप जो जयप्रकाश जी का जो विचारधारा था और जो लोहिया जी का जो विचारधारा था और जो कर्पूरी ठाकुर जी का जो विचारधारा, इसको आप बदलने का काम कर रहे हैं। लेकिन आपके बदलने से और इस तरीके का बयान देने से हम पूरे तरीके से हताश होने वाले नहीं है, ना हमारा कोई छात्र का नौजवान हताश होने वाला। सोचते हैं कि खबर नहीं होता है तेज प्रताप यादव को, दूसरा लालू यादव ऐसे ही हम नहीं कहलाते हैं। सबकी सच्चाई मेरे पास है पूरे तरीके से। क्यों नहीं करेंगे बातचीत? जब जिस तरह इसके विरुद्ध जो काम हुआ, हम इसके विरुद्ध हम आवाज उठाएंगे, हम शुरू से आवाज उठाने का काम हुआ, जाएंगे, मिलेंगे, मुलाकात करेंगे, लेकिन पहले तेजस्वी जी से तो मिल लें। हाँ, चलेगी लंबी लड़ाई।